प्रदेश सरकार का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में 2 दिनों तक आयोजित होगा और इससे पहले विपक्ष के निशाने पर प्रदेश की जयराम सरकार को लेकर सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जुबानी हमले किए हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस महासचिव और विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम बहुत बड़ा फ्लॉप शो है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से प्रदेश में सिर्फ कर्ज का बोझ होगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वेलनेस सेक्टर में हिमाचल के बद्दी में फार्मा उद्योग एक बहुत बड़ा हब है। बद्दी में भी फेजर उद्योग ग्रोथ हुई है, उससे हिमाचल का नाम बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा कि चिट्टा बनाने तक का काम बद्दी में हो रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई ड्रग इंस्पेक्टर तक तैनात नहीं किया गया है, जिससे कई फिल्मों में नशे को लेकर भी बद्दी का नाम स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि नशे की बहुत बड़ी खेप के लिए बद्दी का नाम फिल्मों में सामने आ रहा है और कई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से उद्योगों का पलायन हो रहा है, उद्योगपति छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का क्या औचित्य है। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ये जो सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के नाम से धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है, मेरा तो ये मानना है, हम खुद एक उद्यमी हैं, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आज के दिन में देखिए, ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स कोई ऐसे इन्वेस्टर नहीं है कि कोई डिब्बा बंद इन्वेस्टर और पहली बार ये डिब्बा खोला जा रहा है। ये लोग इन्वेस्टर हैं, ये ऑलरेडी हिंदुस्तान में कहीं निवेश कर रहे होंगे या उनका एक पूरे ग्लोबल जहाँ भी इन्वेस्टमेंट उनकी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में आज का क्या माहौल चल रहा है, जो यहाँ पे स्थापित उद्योग पहले से हैं उनका कितना विश्वास ये सरकार जीत पाई है, कितनी सुविधाएं ये सरकार उनको दे पाई है, ये सबसे बड़ी बात देखने की है। आज पावर सेक्टर को देख लीजिए, जो हिमाचल एक बिजली का उत्पादन में श्रेष्ठ राज्य बनने की तरफ अग्रसर था, आज के दिन में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हिमाचल में ऑलरेडी पावर जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें छोड़ा जा रहा है।